करो शुरू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुड़ियानी रेवाड़ी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सिक्स क्लास फिफ्थ लेसन ओ कैप्टन माय कैप्टन बाय वॉल्ट विटमैन। ये एक पोएम है जो वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी हुई है और इसकी जो थीम है वो शोरो है। सबसे पहले जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो देख लेते हैं हम। रैक, रैक झकझोरना या फिर विध्वंस करना, यानी कि किसी चीज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर देना, नष्ट कर देना। डैक, डेकोरेट। डैक को डेकोरेट इसलिए बोला गया क्योंकि जो अब हम जो आगे जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर एक डैक वर्ड यूज़ होगा जो कि शिप वगैरह के अंदर यूज़ होता है, तो उसको हम डेकोरेट करके लेके जा रहे हैं, इस वजह से उसको संवारना बोला गया है। एक्सोल्टिंग, रिजोइंग, आनंदित होना, हर्षोल्लास। उसके बाद है क्रो, ग्रुप, इकट्ठा करना या फिर भीड़ करना। टर्निंग, डाइवर्जन, मोड या फिर हम इसको खरादना भी बोल सकते हैं। स्वे, शेक, झुलाना, कांपना। उसके बाद आता है ईगर। ईगर का मतलब आता है ग्रेट, उत्सुक, उत्साही, यानी कि किसी चीज़ को देखने के लिए या फिर किसी काम को करने के लिए हम क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं। मॉर्नफुल, प्लेंटिव, शोकाकुल, दुख भरा। डेड, लाइफलेस, निर्जीव, मृत, जिसके अंदर कोई जीवन ही नहीं है। बीनीथ, ब्लो, नीचे की ओर या फिर से नीचे। स्टिल, काम, शांत या फिर हम इसको चुप भी बोल सकते हैं। ट्रेड, स्टेप, रास्ता बनाना या फिर जाना। ट्रिप, ट्रैवल, यात्रा करना, भ्रमण करना। बुके, बुके, पोजी, गुलदस्ता, जिसको हम गुलदस्ता वगैरह बोलते हैं। रिबन, मेडेलियन, काटने का निशांस। रैथ, कोरोनल, घेरना या फिर हम इसको पुष्पमाला वगैरह भी बोल सकते हैं। शोर, प्रॉप अप, सहारा देना। शोर का मतलब है प्रॉप अप, सहारा देना। अब हम आते हैं हमारी पोएम्स के ऊपर। पोएम्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो हमारा टाइटल है ओ कैप्टन माय कैप्टन, यानी कि ये जो पोएम है वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई है। एक मेटाफोरिकल पोएम है और इस पोएम्स के अंदर, और ये जो पोएम्स है ये अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनको एड्रेस करके लिखी हुई है ये पोएम्स। यहाँ पे जो कैप्टन है वो कौन है, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है अब्राहम लिंकन है, उनके बारे में लिखी हुई है। ओ कैप्टन माय कैप्टन, ओ कप्तान मेरे कप्तान, आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। यहाँ पे हमारा जो कवि है वो उसके साथ रहता है जो कैप्टन है, जो शिप का जो कैप्टन है, यानी कि जो शिप का जो कैप्टन है वो कौन है, अब्राहम लिंकन है। उसके साथ हमारा वॉल्ट विटमैन है वो रहता है, कवि रहता है, और कहता है कि हमारी जो फियरफुल जो यात्रा थी वो अब ख़त्म हो चुकी है, यानी कि हम किसी जर्नी के ऊपर गए थे, अब वो जर्नी है वो पूरी हो चुकी है। द शिप हैज़ वेदर्ड एवरी रैक, द प्राइज वी शाउट इज वोन। और शिप, जो हमारा शिप था, जब रास्ते में जब हमारा जो वॉल्ट विटमैन है और उसके साथ जो उनका जो कैप्टन है वो जब यात्रा के ऊपर जाते हैं, वापस वहाँ से लौट रहे होते हैं, तो एक बहुत बड़ा तूफान आता है और उन तूफानों को पार करके जो उनकी जो यात्रा है, उनकी जो ट्रैवल है वो ख़त्म हो चुकी है। द पोर्ट इज नियर, यानी कि जो हमारा जो कवि है वो कहता है पोर्ट इज नियर, या जो बंदरगाह है वो नज़दीक ही है। द बेल्स आई हियर, और जो बेल्स हैं, कौन सी बेल्स, जो पोर्ट्स पे जो बेल्स जो बंधी हुई होती है, जो बंदरगाह के ऊपर जो कुछ ऐसे बेल्स वगैरह है वो जो लगी हुई है, वो मैं उनको मैं सुन सकता हूँ। द पीपल ऑल एक्सोल्टिंग, और वहाँ पर जो लोग जो खड़े हैं हमारा स्वागत करने के लिए, एक्सोल्टिंग का मतलब आनंदित है, वो हमें हमारा स्वागत करने के लिए वहाँ पे खड़े हुए हैं। वाइल फॉलो आइज, और उन पीछा करती हुई आंखों को देखो। द स्टडी कीज, द वेसल्स ग्रिम एंड डेयरिंग, और वो जो वहाँ पे जो पीपल्स खड़े हैं, वहाँ पे जितने भी जो लोग खड़े हैं वो किस लिए खड़े हैं, हमारा स्वागत करने के लिए, क्योंकि हमने इस तूफान भरे समुद्र, जो तूफान आया था, जो स्ट्रॉम आया था, उससे हम बचकर निकल आए और सक्सेसफुली कहाँ पहुँच गए हैं, एक पोर्ट के ऊपर पहुँच गए हैं, और इस वजह से लोग हमारा स्वागत करने के लिए वहाँ पे खड़े हुए हैं। बट ओ हार्ट, ओ हार्ट, हार्ट, लेकिन अरे मेरे दिल, मेरे कप्तान, मेरे कप्तान। यहाँ पे जो हार्ट है वो किससे लिया गया है, कप्तान से लिया गया है, क्योंकि अभी इसकी कंडीशंस के बारे में ये अगले स्टेंजा के अंदर डिस्क्राइब करेगा कि इसकी कंडीशंस कैसी है। ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, यानी कि जब समुद्र के अंदर तूफान आ रहा था, यानी कि हमारा जो पोएट है और वो एक शिप के अंदर है और उसके साथ एक कैप्टन है, तो वहाँ पे जब समुद्र के अंदर ऊंची ऊंची जब लहरें उठती है तो जो जहाज़ है वो उन लहरों से टकराकर ऊपर उठ जाता है, फिर नीचे आके गिर जाता है, फिर ऊपर उठ जाता है, नीचे आके गिर जाता है, तो इस वजह से वो जो जहाज़ का जो लकड़ी का बना हुआ है वो उसको लग के उसको फूल वगैरह भी आया है, कहीं पे उसकी खरोंच वगैरह भी आई है। ऑफ रेड वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज, और कहाँ पे खून पड़ा हुआ है, उस
बैग के ऊपर खून पड़ा हुआ है, वहां खून गिरा हुआ है, जहां पर मेरा कैप्टन लेटा हुआ है, जहां पर मेरा कैप्टन सोया हुआ है, फॉलन कॉल एंड डेड। और कैप्टन की कंडीशंस कैसे बताई गई है, वो कैसा पड़ गया है, ठंडा पड़ गया है और डेड, ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके अंदर जान ही नहीं है, वो अब मर चुका है। ओ कैप्टन माय कैप्टन, यहाँ पे देखो फिर अगेन इसने ये लिया है हमारा जो पोएम का टाइटल है, ओ कैप्टन माय कैप्टन, इसमें इसलिए बोला गया है, अरे मेरे कप्तान राइज अप, खड़े हो जाओ, एंड हियर द बेल्स, और उन घंटियों को सुनो, राइज अप फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग फॉर यू द बिगुल ट्रिल्स, और खड़े हो और उन बिगुल्स को सुनो जो तुम्हारी जीत की खुशी के बारे में बता रहे हैं कि तुमने इतने तूफान में भी अपनी यात्रा को पूरा करके और सही सलामत तुम उस शिप को बंदरगाह तक ले आए हो, इसलिए खड़े हो जाओ और उन विजय की जो पताकाएं फहरा रहे हैं, जो लोग वहां पे खड़े हैं पोर्ट के ऊपर उनको देखो, और जो बिगुल बजा रहे हैं उन बिगुल्स को सुनो, फॉर यू बुके एंड रिबन रैक्ड फॉर यू द शोर्स ए क्राउडिंग्स, और वहां पे उस पोर्ट्स के ऊपर पीपल्स की जो लोग जो खड़े हैं उनके हाथों में क्या है, बुके हैं, रिबन्स हैं, यानी कि उन वो तुम्हारा स्वागत करने के लिए उनके पास फूल माला वगैरह वो लेके खड़े हुए हैं और वो भीड़ तुम्हारा इंतजार कर रही है, फॉर यू दे कॉल, वो तुम्हें बुला रहे हैं, द स्वेइंग मास देयर ईगर फेस टर्निंग, वो तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम्हारा जो चेहरा है, तुम्हारा उत्सुक चेहरा वो देखना चाहते हैं कि इतने बड़े तूफान में से भी तुम लड़कर वापिस आए हो तो तुम कैसे दिखाई दे रहे हो, वो तुम्हें देखना चाहते हैं। हेयर कैप्टन डियर फादर, यहाँ पे जो कैप्टन वर्ड यूज हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, क्योंकि जो हमारा जो पॉइंट है वो उसका एक रिलेशन निकल के आता है, डियर फादर, वो क्या कहता है उसको, डियर फादर कहता है, यानी कि अब जो कैप्टन का और वहाँ पे उस स्पीकर का जो रिलेशन है वो क्या है, एक फादर का और सन का है। दिस आर्म बीनीथ योर हेड, उसकी जो आर्म है, ये जो हाथ है बीनीथ योर हेड, वो तुम्हारे हेड के नीचे है, इट इज सम ड्रीम दैट ऑन द डेक यू हैव फॉलन कॉल्ड एंड डेड, और ऐसा लगता है इट इज सम ड्रीम कि ये एक सपन है, ये एक सपना है, दैट ऑन द डेक यू हैव फॉलन कॉल्ड एंड डेड, कि तुम जो कॉल्ड पड़े हुए हो, तुम ठंडे पड़े हुए हो और डेड पड़े हुए हो, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि एक सपने की तरह है। माई कैप्टन डज नॉट आंसर, मेरा जो कैप्टन है यानी कि जो मेरा जो फादर है वो आंसर नहीं कर रहा, वो मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहा, कब से मैं ही बोले जा रहा हूँ। हिज लिप्स आर पेन, उसके जो लिप्स हैं वो कैसे पड़ गए हैं, पीले पड़ गए हैं, यानी कि सूख चुके हैं। एंड स्टिल माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, और अब जो मेरे फादर हैं यानी कि जो कैप्टन है वो मेरी आर्म को फील नहीं कर सकते, कौन सी आर्म को, जो मैंने उनके सर के नीचे लगा रखे, वो मेरे हाथ के स्पर्श को फील नहीं कर सकते क्योंकि वो अब मर चुके हैं। He has no pulse nor will, क्योंकि उनकी जो पल्स है वो नहीं चल रही है और उनके अंदर अब जान नहीं बची। The ship is anchored safe and sound, एंकर का मतलब है लंगर डालना, और शिप जो है वो अब रुकने वाली है, कहाँ पे आके, बंदरगाह के ऊपर आके घेरा डालने वाली है, safe and sound, its was closed and done, और जो यहाँ पे जो यात्रा है वो खत्म हो चुकी है और हम सेफली कहाँ पे आ गए हैं, बंदरगाह के ऊपर आ गए हैं। From fearful trip the victor ship, और जो हमारी जो दर्द भरी जो यात्रा थी, जो भयानक जो यात्रा थी, वो अब किसके अंदर बदल चुकी है, जीत के अंदर बदल चुकी है, हमारी शिप ने है वो उसने जीत हासिल कर ली है। Comes in with objects won, आओ और हम इसकी खुशी मनाए, किसकी खुशी, कि हमारा जो जहाज था वो इतने बड़े स्टॉर्म से सक्सेसफुली बाहर आ गया है। Exalt of shores and rings of bells, और वो जो शोर्स हैं उन शोर्स को सुनो और रिंग्स एंड रिंग्स को सुनो और बेल्स, जो वहाँ पे जो बंदरगाह किसकी घंटियाँ बज रही हैं, खुशी की जीत की जो घंटियाँ बज रही हैं उनको सुनो। बट आई विद मॉर्नफुल ट्रेड, लेकिन मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, दुख में खड़ा हूँ, ट्रेड और रास्ता बना रहा हूँ, वॉक द डेक माई कैप्टन लाइज, और मैं उस डेक के ऊपर जाता हूँ जहाँ पे मेरा कैप्टन लेटा हुआ है, माई फादर लेटा हुआ है, मेरा जो पिता है वो लेटा हुआ है, फॉलन कॉल्ड एंड डेड, अब वो कैसा हो गए हैं, मेरे जो जो कैप्टन है वो कैसे हो गए हैं,
कोल्ड पड़ गए हैं और डेड हो गए हैं, यानी कि अब वो मर गए हैं। और मरने के बाद शरीर जब अकड़ जाता है, ठंडा पड़ जाता है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया है इस पोएम के अंदर। तो ये जो पोएम है वो ओ कैप्टन माई कैप्टन बाय वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी हुई है। इसी के साथ हमारी जो पोएम्स हैं वो ख़त्म होती है। आई होप यू विल अंडरस्टूड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।